हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए गुरुकुल विजन एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, एसपीटी एक्ट 1949 चल रहा है और जेपीसी का एग्जाम इतना नियर अबाउट में है कि इसमें चाह कर भी कोई कुछ नहीं करा पाएगा। और क्योंकि झारखंड जेपीएससी में देखेंगे तो पेपर टू का सिलेबस भी इतना ह्यूज है, कितना बड़ा है, और पूरी तरीके से 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। तो और ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सबका तैयारी अच्छा हो गया हो। और जब भी बस 10 से 12 दिन बचा है, इसमें जितना से ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन करें आपके लिए बेटर है। और उसी में एक छोटा सा हेल्प उन लोगों की तरफ से हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अध्याय 5 तक देख चुके हैं, ठीक है। अध्याय 6 तक हम लोग देख चुके हैं, धारा 52 एसपीडी एक्ट, ठीक है। तो हम उसके आगे का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में क्या है, अध्याय 7, ठीक है। तो अध्याय 7 उसमें न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या है आपका न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया मतलब कि एसपीटी एक्ट में जो हम लोग धारा 1 से लेकर धारा 53 तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में क्या विवाद होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे चलकर इस अध्याय में देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया क्या है। अगर कोई केस हो जाता है, कोई दांव पेच लग जाता है, तो कोई आदमी कहाँ जाएगा, न्यायपालिका के पास जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका ही संरक्षक होता है। और आप लोग ये पता है फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है, तो हमारा न्यायपालिका ही है। उसी तरीके से एसपीटी एक्ट का भी कानूनी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो देखिए धारा 54, ठीक है, धारा 54 को जगह जब हम लोग देखेंगे, धारा 54 देखेंगे, तो ये देखिए आपका धारा 54 से लेके 63 तक का जो धारा है वो इससे रिलेटेड, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया से। चलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके जितना शॉर्ट में कर ले, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सबका है, और नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी होता है, लेकिन आसानी से हम समझ समझ सकते हैं। तो उसमें देखिए हम लोग कैसे करें। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने का राज्य सरकार का अधिकार है। देखिए एसपीटी एक्ट जो है ना, एसपीटी एक्ट 49, जो ही एसपीटी एक्ट 49 जो है, इसमें आपका क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया से कोई भी संबंध बनाने का जो अधिकार होगा वो किसके, राज्य सरकार। इसके लिए न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है। तो जब ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा तो कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। तो बस इतना याद रखना है कि एसपीटी एक्ट संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन कानून बना सकता है, तो राज्य सरकार। कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है, किसके अंतर्गत, धारा 54 के अंतर्गत। धारा 54 के अंतर्गत किसी भी विवाद के निपटारे के लिए उपायुक्त का न्यायालय, ठीक है, क्या, किसका, उपायुक्त का न्यायालय तथा अनन्य अधिकारी हो, यानी उपायुक्त के अलावा जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, न्यायालय तो उपायुक्त के अधिकार सौंपे गए हैं, अपील एवं परीक्षण करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो जो भी कानून होगा आपका उपायुक्त का न्यायालय हो गया, अनन्य अधिकारी जैसे आप देखिए अनुमंडल पदाधिकारी SDO जो बोलते हैं लोग, उनका भी कोर्ट होता है, तो ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड जो कुछ भी कानून बनाने का प्रक्रिया होगा, ठीक है, क्या प्रक्रिया होगा, कैसे कानून बनेगा, किस तरीके से इसका निपटारा किया जाएगा, उन सबसे रिलेटेड किसमें आएगा आपका, न्याय प्रक्रिया, धारा 54 में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि धारा 55 क्या बोलता है, ठीक है, धारा 55 क्या बोलता है, लगान वसूली के लिए रजत के विरुद्ध उत्तरोत्तर बाद, ठीक है, उत्तरोत्तर यानी बाद में, तो जब स्वामी रजत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद दायर करे 6 महीने तक दूसरा वाद दायर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी विरुद्ध, मान के चलिए कोई भी केस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मान के लिए ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मान के चलिए ए और बी व्यक्ति है, अब क्या करता है, ए जो करता है बी करता है, वसूली कौन करेगा, तो मान के चलिए कि भूस्वामी, भूस्वामी, अब भूस्वामी कौन है, ठीक है, भूस्वामी कौन है, आपका सीओ,
ठीक है, सरकार की तरफ से सीओ बनता है, सीओ अधिकारी सर्कल ऑफिसर। तो मान लीजिए क्या करता है कि भूस्वामी के विरुद्ध जाके न्यायपालिका में जाके विरोध करता है, ठीक है, अपील दायर करता है। अपील दायर करता है कि भूस्वामी हमारे संपत्ति लगान वसूली का जो मामला है वो गलत तरीके से किया गया या ज्यादा ले लिया या कुछ भी होता करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, न्यायपालिका उस कार्य को सुनेगी, न्यायपालिका सुने या ना सुने, और जब दूसरा व्यक्ति बी जो है वो बी भी जाके न्यायपालिका में कर दे शिकायत, दोनों जाके ए और बी दोनों जाके शिकायत कर दे। अब क्या होता है कि ए जो है ये पुनः दायर करता है 3 महीने के बाद, 3 महीने, ठीक है। तो 3 महीने के बाद जाके पुनः क्या दायर करता है, और बी करता है 6 महीने बाद करता है, मानी 7वां महीने में जाके करता है। तो इन दोनों में कौन मान्य होगा, बी का मान्य होगा, बी मान्य होगा, ए मान्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दायर करेगा पहला मामला उसके 6 महीने के बाद दूसरा मामला दायर करेगा, बस उसमें यही समझना है। ठीक है, आगे क्या है, धारा 56 है। धारा 56 क्या बोलता है, निष्कासन या भेदक भी, निष्कासन या भेदक कर यदि कोई भेदक को उसके जोर से भेदक कर दिया हो तो उपायुक्त न्यायालय में अपनी दायर करेगा। मान के चलिए कि पोलैंड, ठीक है, किसी को है रैयत है, रैयत है यहाँ पर भूस्वामी है। अब क्या करता है, भूस्वामी किसी को हटा देता है, ठीक है, हटा देता है। अब रैयत कहा जाएगा, उपायुक्त के पास जाएगा, उपायुक्त के पास जाएगा, लगते केस करेगा, केस करेगा कि हमको बेदखल कर दिया, हमको निष्कासन कर दिया, अब हमको दो गरीब है ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि उपायुक्त को देगा, ठीक है, गरीब है राशन खा से नाम हटा दो, ये मतलब जो भी हो, ठीक है। तो उपायुक्त देगा, कौन देगा, रैयत जाके देगा। तो बेदखल भी कौन किया, स्वामी किया, लैंड आउट किया, लैंड आउट किया, रैयत जाएगा उपायुक्त के पास, बस उसमें यही बताया गया निष्कासन कैसे होगा उसका निपटारा करेगा। विवेक और साक्ष्य के अनुसार निर्णय देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई निष्कासित कर दिया, उपायुक्त के पास क्या हो गया, अपील हो गया, अपील हो गया, ठीक है। अब अपील हो गया तो उपायुक्त क्या करेंगे, निर्णय देंगे, निर्णय देंगे, लेकिन इसमें विचार करके देंगे, ठीक है, विचार करके बना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जब आया था ना, तो अच्छा अच्छा आदमी को ना जेल में डाल दिया गया था। उसमें क्या होता था, दहेज का, ठीक है, लड़की का कुछ और भी होता था, एक्स के साथ शादी पर भी वाई कोई और है, बस इसी तरीके से होल में जो पूरा का पूरा परिवार पकड़वा दिया जाता था जेल में, ठीक है, दहेज उत्पीड़न का केस। ये केस हालांकि ये नहीं है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया था गलत था, गलत नहीं था, लेकिन उसे गलत यूज किया गया, गलत यूज किया गया, तब जाकर फिर उसे संशोधन किया गया, वरना कितना बर्बाद परिवार से बर्बाद हो गए, ठीक है ना। तो वही बस यही है कि जो कुछ भी निष्कासन किया, बेदखली कर दिया, और जब ये बेदखली होगा तो क्या होगा, फिर उसका अपील होगा, अपील किसके 57, बेदखली, निष्कासन 56, अपील 57, अपील का सुनवाई कौन करेगा, उपायुक्त करेंगे, उपायुक्त कैसे करेंगे, अपना विवेक से करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे, ठीक है, क्या सही क्या गलत, ठीक है, साक्ष्य पर, विवेक और साक्ष्य पर, विवेक क्या, विवेक और साक्ष्य दोनों दो चीजें, लेकिन आगे देखेंगे। अब दूसरी अपील क्या हो गई, दूसरी अपील बताया था ना, दूसरी अपील कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद होगा। तो देखिए 58 में धारा दूसरी अपील, यदि उपायुक्त प्राप्त पदाधिकारी, ठीक है, या अन्य समाहर्ता ने निर्णय दिया है तो उपायुक्त न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकती है, दूसरी अपील की जा सकती है। मान लीजिए कि उपायुक्त का प्राप्त या अनुमंडल अधिकारी, ठीक है, इसमें उपायुक्त न्यायालय में दोषी को किया जा सकती है। जैसे कुछ सुनिए, सिंपल सी है, सीओ होता है, सीओ के विरुद्ध में कहां करेंगे, एसडीओ पास करेंगे, एसडीओ के बाद कहां करेंगे, डीसी के बाद करेंगे, डीसी के या डीसी, ठीक है,
डीसी की बात करेंगे, इसके बाद में कहा कहा जाएंगे हम लोग, डीसी को बार कौन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर, कमिश्नर को कौन होता है, ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल होता है, इसके ऊपर ये आपको फाइनल डिसीजन देगा। और ट्रिब्यूनल के ऊपर भी आपको जाना है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ तक आपको देखेंगे यहाँ तक होता है। तो सीओ क्या क्या जाना है, एसडीओ पास, एसडीओ क्या क्या, एडीसी पास, फिर कमिश्नर, फिर ट्रिब्यूनल, इस तरीके से हम लोग कहेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका निर्णय होगा, दूसरी अपील धीरे 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 ऊपर जाएगा, और याद रखिएगा दूसरे दिन 6 महीना बाद होगा, ठीक है। दूसरा क्या है मैडम, कि पुनरीक्षण, पुनरीक्षण मतलब समझ मैंने क्या होता है, पुनरीक्षण है, पुनरीक्षण, ठीक है। तो न्यायालय आदेश का पुनरीक्षण उपायुक्त तथा आयुक्त कार्यालय से लिया जा सकता है, ठीक है, यानी न्यायालय का आदेश, जो न्यायालय को आदेश दे दी उसका पुनरीक्षण कौन करेंगे, आयुक्त, उपायुक्त करेंगे या आयुक्त करेंगे, ठीक है। अब बताइए दोनों में से कौन बड़े होते हैं, आपको बताइए। तो मान के चलिए कि कोई सेशन कोर्ट हो या कोई भी हो, तो वो एक अपील दे दिया, सॉरी वो जो आदेश न्यायालय का जो फैसला दे दिया, उसका पुनरीक्षण कौन कर सकते हैं, उपायुक्त कर सकते हैं या आपका आयुक्त कर सकते हैं, किसमें, धारा 59 में, धारा 60 का होता है तो, ठीक है, पुनरीक्षण, ठीक है, ठीक, धारा 60 में भी वही किया, ठीक है, पुनर्निरीक्षण, ठीक है। इसमें क्या उपायुक्त का आदेश जो है वो आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है, न्यायालय का कहा उपायुक्त, आयुक्त, फिर उपायुक्त का कौन आयुक्त करेंगे, ठीक है। केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा, धारा 160 आरक्षण बोल रहा है, केवल तकनीकी आधार पर ही पुनरीक्षण नहीं होगा, उसके लिए और भी कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया जाना चाहिए, तब धारा 160 के बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि केवल तकनीकी कारण का ऐसा नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या है, उपायुक्त द्वारा पारित आदेश पुनर्परीक्षण प्रक्रिया में जब तक न्याय न्याय की हानि नहीं हुई हो, अपील शून्य रहेगा, अपील शून्य रहेगा, यानी पुनर्परीक्षण की प्रक्रिया जब तक न्याय की हानि नहीं हुई हो तब तक अपील शून्य रहेगा, ठीक है। हानि मान के चलिए कि डीसी महोदय या उनके लिखे एसडीओ महोदय, ठीक है, दोनों एसडीओ और डीओ। अब क्या हुआ कि एक फैसला सुना देते हैं, ठीक है, एक फैसला सुनाया कि नहीं ये नो है, कोई भी मामला नो है तो ये अपील करेगा डीसी पास, करेगा डीसी भी कर देते हैं नो है, तो क्या यहाँ पे कहानी हुई कुछ नहीं, ये भी नहीं बोलते, ये भी नहीं बोल दिया, ठीक है। उसी तरह से ये यस बोल दिए और ये भी यस बोल दिए, अगर दोनों यस बोल दिए तो फिर हानि नहीं हुई, ठीक है, तो वही बात हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं लोग 62 धारा 62 क्या बोल रहा है, उपायुक्त एवं उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण, ठीक है, उपायुक्त उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण, इसमें क्या है आपका, अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त के अधीन होंगे। अभी जैसे बताया था आपको अनुमंडल यानी एसडीओ, इसके ऊपर होंगे डीसी, इसके ऊपर होंगे आपका कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर, डीसी, एसडीओ, यानी सबसे पहले कौन होंगे, ठीक है, उपायुक्त जो होंगे वो आयुक्त के अंतर्गत, अब एसडीओ होंगे अनुमंडल पदाधिकारी और डीसी के अंतर्गत होंगे। आगे मुकदमे पर रोक, कोई भी मुकदमा किया जाता है मुकदमे पर रोक कैसे लगेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है, मुकदमे पर रोक कैसे लगा, इस अधिनियम के तहत उपायुक्त द्वारा, क्या उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित या अपास्त करने के लिए कोई भी न्यायालय भार प्रहण नहीं करेगा, कोई भी न्यायालय आक्रमण नहीं करेगा, यानी कि उपायुक्त द्वारा दिया गया किसी भी आदेश को, मान लीजिए डीसी साहब हैं, वो कुछ भी निर्णय दे दिए, जो निर्णय दे दिए उसको सही मानेगा, उसको सही मानेगा, अब उसको किसी भी जो अदालत है उसमें पारित नहीं हुआ, मतलब उसका
जो डीसी बोल दे कि हाँ चलो इसमें सही है वो सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डीसी को इसमें पावर दे दिया गया। जैसे होता था ना, मैं सॉरी जब हम आगे बढ़े तो देखेंगे हम लोग क्या है इसमें। जैसे कि देखिए 1793 में जमींदार को दिया गया था लड़ाई, ठीक है, जमींदार को दिया गया था, और साथ ही साथ और भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चीज देखेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे डीसी को इसमें इसमें अथॉरिटी दे दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग अध्याय आठ में हैं, डायरेक्ट अध्याय आठ में आए, तो अध्याय आठ में देखते हैं कौन सा आपका हो गया धारा 64, ठीक है, धारा 64, धारा 64 और 64, 65, 66, ठीक है, देखिए 64 हो गया, 65 और 66, ये उनको पढ़ना है। परिसीमन का सामान्य परिचय, परिसीमन मतलब क्या होता है, परिसीमा, सीमा बांध दीजिए, उसी परिधि में आपको काम कर रहा है, यानी परिधि है उसमें काम कर रहा है। तो देखिए परिसीमा का सामान्य नियम क्या है, इस अधिनियम के अधीन सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो, बाध्य जो प्रावधान के दिन से एक वर्ष तक, ठीक है, यानी इस अधिनियम के अधीन सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो, यानी कि वैसा आवेदन जिसका समय सीमा निर्धारित नहीं है पहला, ठीक है, उसका परिसीमन क्या गया है कि निर्धारित समय से कोई भी निर्धारित समय नहीं है, जब भी आपको चाहे केस कर सकते हैं या कुछ भी हो उसका सीमा नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि एक वर्ष तक का सीमा दे दिया गया, ठीक है, यानी कि एक हो गया आपका इंफिनिटी और एक हो गया आपका 1 ईयर, ठीक है, इन दोनों को देखकर आपको यही इसमें परिसीमा का आपका उसका परिसीमन कर दिया गया कि किस टेन्योर में आप काम कर सकते। धारा 65 में क्या है, बेदखली के मुकदमे के लिए परिसीमा, बेदखली के मुकदमे के लिए परिसीमा, रैयत के बेदखली संबंधी सीमा 2 वर्ष है, ठीक है, रैयत की बेदखली संबंधी सीमा 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष के अंतर्गत आप किसी को बेदखल करते हैं या कुछ करते हैं तो उसका परिसीमा है कि न्याय किस तरीके से सुनवाई किया जाएगा, किस तरीके से उसका निपटारा किया जाएगा, विवाद अपील कितने दिन तक, 2 साल से, 2 साल के अंतर्गत ये आपको कर लेना है, पता चला कि कोई भी मामला है उसके 5 साल बाद केस तो वैसा नहीं होगा, उसी के बीच में बताया है। धारा 66 क्या है, अपीलों के लिए परिसीमा, अपीलों के लिए परिसीमा, अपील उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन, यानी कि अगर आपको अपील करना है तो जब उपायुक्त होगा, ठीक है, यानी कि डीसी के यहाँ 60 दिन के अंदर प्रसन्न होगा, ठीक है, और वही आयुक्त के अंदर डीसी क्या है 60, और ऊपर जो कमिश्नर होंगे, ठीक है, कमिश्नर होंगे उनके यहां 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, यानी कि अगर सेवा पूछते हैं कितने दिनों में कर सकते हैं तो 60 दिन, डीसी के पास 60 दिन और कमिश्नर के पास 90 दिन। फ्रेंड थोड़ा ये वीडियो जल्दी फास्ट बनाया बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि समय नहीं है, समय होता तो उसको अच्छा से एक 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 धारा अच्छा से ऑपरेशन किया जाता, लेकिन नहीं अभी वो समय नहीं है, पूरा डिटेल में करके पढ़ा है वो नहीं है, जितना ज्यादा ज्यादा रिविजन होगा वही सबसे ज्यादा काम करेगा। धारा 67 तक क्या है, देखिए दंड क्या होगा, दंड कैसे मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष की सजा है, ठीक है, 3 वर्ष की सजा है या 1000 रुपए का जुर्माना है या फिर दोनों, ठीक है, अपराध जारी रखने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए तक आसन दंडित किया जाएगा, ठीक है, विधवा मान लें ये यहाँ से दोस्तों को मैं मैक्सिमम कभी 4 रुपए आएगा, लेकिन फिर भी देखिए कि इसमें क्या होता है कि दंड दिया गया है, तो अगर कोई अधिनियम का जितना भी हम लोग की अध्याय पढ़े उसमें जितना भी नियम कानून है उस अधिनियम का कोई भी मतलब कि जो संथाल परगना जो एक्ट है अधिनियम है उसका उल्लंघन होता है तो उसको 3 साल की सजा दिया जा सकता है, 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों दिया दोनों होगा, अगर अपराध जारी रहता तो 50 रुपये तक की राशि दंडित किया जा सकता है, वो भी प्रत्येक दिन, सोच लीजिए कितना है। धारा 68 में क्या बोला गया है कि भूस्वामी क्या है, भूस्वामी पर सूचना की तालीम, ठीक है, भूस्वामी पर सूचना की तालीम कैसे दिया गया, ठीक है,
तो सूचना की तारीख भू स्वामी पर होता दायित्व वगैरह, कोई भी सूचना होगा रैयत के पास हो या फिर ऊपर वायु के महोदय के पास हो, तो ये कौन पहुंचाएगा आपका भू स्वामी का होता दायित्व होगा कि सूचना का आदान प्रदान करे, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया किसको कौन करेगा आपका भू स्वामी करेगा। 69 में क्या बोला गया है, कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक, ठीक है, कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। तो भूमि के अधिकार पे अर्जन पर रोक, कैसे अर्जन पर रोक लगा सकते हैं, तो सरकार या अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए चिन्हित भूमि का अर्जन प्रतिबंधित होगा। मतलब मान के चलिए कि कोई बंजर भूमि है, बंजर भूमि है, वहां पर कौन सा हो गया होगा चाहे स्थान है, शमशान है, शमशान है या फिर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, तो इसके ये क्या है आपका ये प्रतिबंधित भूमि है, तो प्रतिबंधित भूमि का इसका बंदोबस्त नहीं हो सकता, इसका कोई लगन नहीं कर सकता है। बस 69 में यही बताया गया कि जो सरकारी भूमि है या जो रिजर्व जो रिजर्व जो भूमि लैंड है उस पर उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता। आगे अगर क्या है 70 क्या बोल रहा है आप देखिए, बकाया में वसूली, जब भी कोई बकाया है तो माना है कोई बार बकाया है उससे जैसे लगान या व्यापानी क्षतिपूर्ति, ठीक है, वसूली उन्हीं मुताबिक किया जाएगा, यानी जो नियम कानून है उसी के मुताबिक किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। अगर कोई मान लो चलिए कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि प्रावधान है कि आपको टैक्स देना है 50 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया देना है, ठीक है। अगर आप समय पे नहीं देता है या किसी तरीके से नहीं देता है तो ऐसा नहीं कि जमींदार या वो स्वामी है तो दिया नहीं, नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो नियम कानून है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है, करना तो है, ठीक है। तो वो आपका हो गया बकाया की वसूली कैसे करना है, ठीक है। धारा 71 क्या होगा, नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, ये राज्य को सुरक्षित होगा, किसको राज्य को सुरक्षित होगा, राज्य नियम बनाएगा। धारा 72 क्या विशिष्ट विधानों का परित्राण, ठीक है, सरकार द्वारा भूधारक अधिनियम 49 अन्य नियमों के ऊपर रहेगा, उसके बाद संस्थान परना भूधारक नियमावली 49 लागू किया जाएगा, यानी सबसे पहले कौन रहेगा आपका संथाल परना भूधारक अधिनियम 49, उसके बाद कौन आएगा संथाल भूधारक अधिनियम 150, ठीक है, यानी जो भी होगा जो अधिनियम है जो एक्ट है तो वो एसपीटी एक्ट है, वो सर्वोच्च रहेगा, उसके अंतर्गत करेगा, उसको कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है, इसके प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग एसपीटी एक्ट को बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं, बहुत ही कम समय में खत्म किया गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम प्रेशर इतना ज्यादा है कि बच्चों को अब कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या हो कैसे हो, तो चलिए उसी में एक छोटा सा योगदान है तो इसको करने की कोशिश करें और कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंस का, तो बहुत अच्छा देखिए मेंस का तो इतना बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाएगा आपका, फिर आप लोग देखिएगा कि हाँ नहीं कोई कुछ बोला है करवा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सिलसिले को यहीं पर रुकते हैं और इसके आगे हम लोग सीएनटी एक्ट लाते हैं या फिर शासन व्यवस्था का वीडियो होगा, दोनों में से कौन लाए ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि ताकि मैं भी ये श्योर पूछा कि हाँ कौन सा चैप्टर को पढ़ाना सही रहेगा, कौन सा चैप्टर आप समझ सकते हैं अच्छा से, ठीक है। चलिए गुरुकुल विज्ञान अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।